मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी हालत देखो, मेरी गलती की सजा आपको मिल रही है। चुप। नहीं भाभी, गुनाह मैंने किया और सजा आप भुगत रहे हो। गुनहगार मैं हूँ, आप नहीं। भाभी, आपको पता है उस अज्जू ने मुझसे धोखे से शादी कर ली। उसने फेरों से पहले अनुज को बेहोश कर दिया और मुझसे शादी कर ली। मिश्री, कुछ भी मत बोल। उसने मुझे मेरे ही कमरे में कैद कर दिया और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से भाग आई। अरे भाभी को बचाने के लिए। भाभी, मैं तुम्हें यहां से निकाल के रहूं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना मिश्री, तुम्हारे साथ जितना गलत होना था हो लिया, पर अब तुम्हारी अनुज से शादी मैं करवाऊंगी। पर इस दिवाली बुराई का विनाश होगा और हमारा परिवार पहले की तरह हंसी खुशी जिएगा। पर इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, दोगी ना? हाँ भाभी, दूंगी, पूरा साथ दूंगी। नहीं हो सकता मतलब? मुझे कुछ नहीं सुना है, सब कुछ मुमकिन है। क्या हुआ शहना, किससे बातें कर रही है? वो कुछ नहीं अजय, संजना की बेल होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि टीवी पर, अखबार में, सब जगह इसी के चर्चे हो रहे हैं, तो मामला थोड़ा राजनीतिक हो गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो अजय, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं जो वादा करती हूँ उसे पूरा करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मुझे नहीं पता आप ये कैसे करते हैं, जल्द से जल्द संजना के बेल पेपर्स रेडी होने चाहिए, समझे आप? कोई बहाना नहीं चाहिए। दुखी क्यों होते हो अजय? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारा काम पूरा करवा दूंगी और शायना जो एक बार वादा करती है उसे जरूर पूरा करती है। हो गया तुम्हारा काम पूरा? सच? लेकिन कैसे? अजय, तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिनते हो? और ये काम जैसे भी हुआ पूरा तो हुआ ना, तुम खुश तो हो ना? अजय, अजय तुम भी ना बहुत ही क्यूट हो, अपनी होने वाली बीवी को छूना अलाउड है, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। अजय, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा निभाओगे ना? कोशिशों के बावजूद मैं संजना की जमानत नहीं करवा पाया। क्या बात कर रहे हैं आप अंकल? ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही हूं, एक के बाद एक मुसीबत आ ही रही है। पता नहीं किस जन्म का पाप चुका रही हूं मैं।
आप चिंता मत कीजिए मामी जी, अब मैं आ गई हूं ना। देखिएगा आप, मैं रातों रात आप सबकी परेशानियां दूर कर दूंगी। श्री, ये कौन है? अंकल, ये शायना है, अज्जू की बहन। क्या हुआ, आप लोग सब मुझे देखकर चौंक क्यों गए? अब मेरे यहां होने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब मैं यहीं रहने वाली हूं। अंकल जी, आपकी हैरानी बता रही है कि आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, और मैं जानती हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। यही ना कि मैं यहां क्या कर रही हूं, करेक्ट? मेरे यहां आने की वजह है अजय। और हम दोनों अगले हफ्ते शादी करने जा रहे हैं। अजय, तुम जेल से कैसे छूट गई? जमानत किसने की? इंस्पेक्टर साहब ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, फिर तुम यहां कैसे? संजना की जमानत मैंने करवाई। क्या क्या है ना, तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये मामा जी कि जब मिश्री और अंकल पुलिस स्टेशन गए थे, उसके बाद मैंने जाकर इंस्पेक्टर सर से बात की थी। इंस्पेक्टर सर, मेरे लिए भी पहले विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे फोन अज्जू भैया के नंबर से ही आया है। मतलब कोई बात नहीं हुई, लेकिन फोन उसी नंबर से था। देखिए, आजकल कोई भी किसी का फोन ले सकता है और उसके कॉन्टेक्ट निकाल कर उसको फोन लगा सकता है। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अज्जू भैया अभी भी जिंदा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस केस की गहराई तक जाइए और पता लगाइए कि सच क्या है। संजना की ननंद मिश्री पेठे वाले को भी ये शक है कि अज्जू मरा नहीं, जिंदा है। अगर मुझे शक है, मिश्री को शक है, तो जरूर इसमें कोई सच्चाई छिपी है। सर प्लीज, आप एक बार फिर से ये केस को देखिए, और अगर इसमें जरूर कोई सच्चाई छिपी है, तो इसका मतलब है कोई गुनाह हुआ ही नहीं। अगर गुनाह नहीं हुआ है, तो गुनहगार भी नहीं है। अज्जू भैया जिंदा है या नहीं, ये हम अभी तक पता नहीं लगा पाए। तो फिर आप लोगों ने संजना को किस आधार पर गिरफ्तार किया है? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता, आप संजना को छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, आप बेल ले लीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बधाई हो संजना, तुम्हें जमानत मिल गई, अब तुम एक आजाद पंछी। और इसी बात पर मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ, अब तुम मुझे बधाई दो, क्योंकि मैं और अजय एक हफ्ते में शादी करने वाले हैं। क्या है अजय? हाँ, क्या कह रही है ये? तुम इससे शादी करने वाली हो?
अजय ये सब क्यों बोल रही है? बोलो ना। अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। ऐसा नहीं है ना? हाँ ये झूठ बोल रही है ना? तुम उससे शादी नहीं करने वाले ना? जब मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, ये क्यों बोल रही है ये सब? तुमसे कुछ पूछ रहे हो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बताओ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं शायना से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। और तुमसे तुमसे तलाक लेने का। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी संजना को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कि मेरा अजय नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरा अजय मुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसी कौन सी मुसीबत आएगी जो तुम्हें तुम्हें अपने अपनी संजना को छोड़ना पड़ रहा है? तुम मुझे बताओ, हम बैठ के बात करते हैं। कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है ना? बताओ ना, कौन? कोई नहीं संजना, ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से लिया है। झूठ बोल रहे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुनानी तुम तुमसे बात नहीं कर रहे। अच्छा क्या है ये सब? बहुत हो गया, बताओ कौन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अज्जू, शाइना, ओ, मैं जानती थी, श्रेया भाभी, संजना तुम श्रेया का नाम क्यों ले रही हो? तुम हमेशा श्रेया पर ही लांछन लगाती हो संजना। देखो तुम्हारी तरह वो भी इस घर की बहू है, इसलिए जब भी श्रेया का नाम लोगी इज्जत से लो। हाँ मैं मानता हूं कि श्रेया ने गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों पर इसे पछतावा भी हुआ है, इसलिए अज्जू और शाइना के साथ तुम श्रेया का नाम मत लो। क्यों ना जोड़ो? इन सब के पीछे श्रेया भाभी का हाथ है। ये सारा नाटक, सारा किया धरा इनका है। ये अज्जू, शाइना, ये सब इनके इशारों पर नाच रहे। मामा जी मेरी बात का यकीन कीजिए, जितना आप चाहते हैं कि इस घर में प्यार और भाईचारा बना रहे उतना मैं भी चाहती हूँ। मामा जी मेरी बात मानिए, ये घर मेरे लिए मेरा स्वर्ग है। पर अफसोस, इस स्वर्ग में आस्तीन का सांप पल रहा है। संजना कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ, संजना जो कुछ भी बोल रही है मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ संजना, तुम बोलो जो बोलना चाहते हो, हम सुनेंगे, बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा संजना? हम माना अतीत में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और की गलती का इल्जाम तुम मुझ पर लगाओगे। बस बस, आपके नाटक के अंत होने का वक्त आ गया। मैं नाटक कर रही हूं, ठीक है,
क्या सबूत है तुम्हारे पास ये प्रूफ करने के लिए कि मैं नाटक कर रही हूं? पिछली बार तो तुमने साबित कर दिया था, तो इस बार भी साबित करो। इस पवित्र सिंदूर की कसम खाकर कहती कि आपके नाटक का अंत और आपका पर्दाफाश मैं करके देखी। इस दिवाली आपकी इस नौटंकी शाइना का और अज्जू जो जिंदा है इन सब का सच सबके सामने लाकर रखे। पिछली बार तो सबने आपको माफ कर दिया था ना, सबका साथ मिला था आपको, पर इस बार नहीं। इस बार ऐसे सबूत लाऊंगी कि साथ तो बहुत दूर की बात है, सब लोग आपको एक साथ धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेंगे। मैंने आपको एक मौका दिया था, सोचा था सुधर जाएंगे, पर नहीं। और पापा सही कहते कि इंसान की आदतें बदल सकती है, उसकी नीयत बदल सकती है, लेकिन उसकी फितरत। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की ना, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। देखिएगा, अब मैं बदतमीज देवरानी से, लेकिन आप जैसी नागिन को इस ससुराल को ढसने नहीं दूंगी। अब मैं किसी से डरती नहीं, जिससे जो बन पड़ता है कर ले। लेकिन मैं अपने सुहाग को बचा कर रहूंगी। अपने पति की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। आदर्श बेटे वाला परिवार में अब होगी देवरानी और जेठानी के बीच महाभारत। जिसमें जीतूंगी मैं और मेरा सुहाग। भारत तो होकर रहेगा। बहुत परीक्षा ली आपने मेरी, पर अब मेरे बर्दाश्त का बांध टूट चुका। ओफ़ अब ये नया नाटक देवरानी जिठानी का बंद भी करो। बस अब बहुत हुआ। और एक और बात, इस महाभारत की मुख्य पात्र तुम नहीं, मैं हूं। और बहुत जल्द मैं और अजय एक होने वाले हैं। और इस सच को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द शाइना इस घर की बहू होने वाली है। तो दुल्हन को भूलने की गलती मत करना, समझी? तो चुप रहो, एकदम चुप। खबरदार, एक शब्द और भी बोला था। तुम हो कौन? कौन हो तुम? जान ना पहचान, बस इस घर की मेहमान। ये हमारा घर है, इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं, समझे तुम? और दूसरी बात, अजय पहले से शादीशुदा है और उसकी धर्मपत्नी का नाम संजना है।
तो गैर कौन हुआ? तुम हो गैर, संजना नहीं, समझी तुम? दादी इतना गुस्सा ठीक नहीं है, मैं एक मिनट में आई। ये लीजिए दादी, अब इसे देखकर आपका गुस्सा कम होगा या बढ़ जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इसे देख लीजिए। क्या है ये? खुद ही पढ़ लीजिए। डिवोर्स पेपर्स।